हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोना आपका वेलकम करती हूँ मेरी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप आईटी बैंड सिंड्रोम को अवॉइड कर सकते हैं। यह दोस्तों, हमारी इस आईटी बैंड सीरीज में आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए बहुत थैंक्स। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसा आप हमेशा करते हैं, बिकॉज वी हैव टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन टू ऑल ओवर द पीपल, ताकि उनकी अच्छी हेल्थ बनी रहे और वो प्रॉब्लम्स से बचे रहें। यही मेन है हमारे इस चैनल का, सो प्लीज़ हेल्प अस टू स्प्रेड द अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आईटी बैंड सिंड्रोम को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने अब तक जान लिया है कि आईटी बैंड सिंड्रोम कितना प्रॉब्लमेटिक है और कितना इम्पॉर्टेंट है जानना आईटी बैंड सिंड्रोम के बारे में, और इसकी पेन कितना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम में डालता है और हमें कितना पेनफुल होता है। तो देखिए, जानते हैं हम कि आईटी बैंड सिंड्रोम को हम कैसे अवॉइड करें। ये हो ही ना तो वही बेटर है। किसी भी, वी नो दैट कि प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, बट प्रिकॉशंस क्या हम लें, क्या हम अवॉइड करें जिससे कि हमें ये प्रॉब्लम हो ही ना। तो आइए जानते हैं। तो ये वीडियो हुआ ना इम्पॉर्टेंट, इसलिए बने रहेगा एंड तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रनर्स में, जैसे कि मैं हमेशा बताती आई हूँ इस वीडियो में आईटी बैंड सिंड्रोम में, कि रनर्स में बहुत कॉमन होता है। क्यों होता है ये भी आप जान चुके हैं। तो फ्रेंड्स, रनर्स को आईटी बैंड सिंड्रोम अवॉइड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो ट्रैक है, उनको सेम ट्रैक नहीं यूज़ करना चाहिए, इंडोर ट्रैक्स नहीं यूज़ करने चाहिए। और दूसरा, उनको हमेशा, दे शुड नॉट रन ऑन द सेम साइड ऑफ द बैंक्ड रोड। जी हाँ दोस्तों, जो लोग रोड के साइड में रन करते हैं उनको सेम साइड पे हमेशा रन नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? अवॉइड तो हम ये कर लेंगे, लेकिन करना क्या चाहिए? तो ऐसे लोगों को, रनर्स को स्पेशली, वो ये कर सकते हैं कि वो हमेशा जो आपका ट्रैक है, ऐसा ट्रैक चूज करें जो कि आफ्टर फ्यू मिनट्स जिसमें डायरेक्शंस चेंज हो, या फिर जिसमें एवरी डे आप ट्रैक, आज जिस ट्रैक पे आपने रन किया है तो दूसरे ट्रैक पे रन करें अगले दिन, जिसमें कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे आप राइट साइड ट्रैक था तो लेफ्ट साइड हो, या फिर आपका ट्रैक में ही डायरेक्शंस आफ्टर फ्यू मिनट्स चेंज हो सेम ट्रैक में। ना नेक्स्ट इज आपका इम्पॉर्टेंट फीचर कि आप ये कर सकते हैं कि यू शुड ट्राई टू रन टूवर्ड्स ट्रैफिक। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अलग है लेकिन ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर आप ट्रैफिक्स में रन करने की कोशिश करेंगे तो यू हैव टू चूज द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट फॉर सेफ्टी पर्पस। तो बिकॉज ऑफ दैट आपकी डायरेक्शंस चेंज होंगी, जिससे कि आपका आईटी बैंड नहीं हर्ट होगा और उसका ओवर यूज नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द साइक्लिस्ट। या दोस्तों, साइक्लिस्ट क्या कर सकते हैं? साइक्लिस्ट ये कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि टो इन्वर्जन की वजह से आपकी साइकिलिंग के कारण आपका हिप इंटरनल रोटेशन में जाता है, यानी कि अंदर घूमता है, जिसकी वजह से बाहर से आपका आईटी बैंड टाइट हो जाता है। रेगुलरली ऐसा करने से, कभी कभार होता है तो दैट्स कैन बी मैनेजेबल, बट अगर रेगुलरली हमेशा आपका पैटर्न ही यही है तो इसको चेंज करने के लिए, एक दिन में चेंज नहीं होता। आप आईटी बैंड पे वर्क कर रहे हैं तो आपको मैकेनिकल चेंजेस पे भी वर्क करना होगा। तो जब आपको आपकी क्लिप्स जो हैं आपके साइकिल के क्लिप्स और साइकिल के पेडल्स, उनको सेट करिए, जिससे कि आपका टो इन्वर्जन में ना जाए, टो आपका स्ट्रेट रहे, आपका नी भी इंटरनल रोटेशन में ना हो, इट शुड बी 90-90 करने की कोशिश करिए। नाउ इससे आपका मैकेनिकल चेंजेस नहीं होंगे और आपका आईटी बैंड टाइट नहीं होगा। साथ में आप एक्सरसाइजेस और रोलिंग तो करते रहिए, बट इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, द अदर थिंग इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड आईटी बैंड सिंड्रोम, वार्म अप।
मैं हमेशा बताती आई हूँ कि वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वार्म अप एंड कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप अपनी मसल्स और अदर लिगामेंट्स को स्ट्रेच करते हैं। सिर्फ आईटी बैंड ही नहीं, सारे कॉम्प्लेक्स को आप स्ट्रेच करिए, वार्म अप करिए, कूल डाउन करिए, जिससे आपका आईटी बैंड सिंड्रोम नहीं होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि उनको अपने फिजियो की सलाह से, आप जो मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं, कुछ टिप्स बताई हैं ट्रीटमेंट के, अगर आप उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके या आपको सूट कर या आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ये नंबर हमने इसीलिए दिया है ताकि आप अगर आप हमसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो आप कर सकें। आप व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट करके जिस टाइम पे आप चाहते हैं उस टाइम पे आप कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट को अपने फिजियो से कंसल्ट करके एक्सरसाइजेस चूज करनी चाहिए जिससे कि उनका आईटी बैंड रिलीज रहे, और उनको रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहने चाहिए ताकि आपकी आईटी बैंड टाइट ना हो और उसकी वजह से आपके नी में पेन ना हो। आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड भूलिएगा मत शेयर करना, बिल्कुल शेयर करना बनता है। एंड बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे आपको नई इन्फॉर्मेशन जिससे आप रहेंगे हेल्दी, पेन फ्री एंड एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।